इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर्स को मिली मंजूरी। क्या ये एयरक्राफ्ट के बाद हमें और कैरियर बॉर्न एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ट्राई सर्विस कमांड के कमांडर इन चीफ चुने गए। ट्राई सर्विस कमांड का क्या है इंपॉर्टेंस, ये है आज के टॉप 2 डिफेंस अपडेट्स जो आज हम डिफेंस न्यूज कैन एडिशन में स्कैन करेंगे। जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, हर बार की तरह इस एडिशन में भी हम टॉप 2 न्यूज स्कैन करेंगे जिसकी इन्फॉर्मेशन SSB GTO पर्सनल इंटरव्यू में यूज की जा सकती है और डिफेंस एस्पिरेंट्स अपने ड्रीम इंस्टीट्यूशन के रेगुलर अपडेट से अवेयर रह सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। इंडियन नेवी अपने 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर को बनवाना चाहती है, बट एयरक्राफ्ट कैरियर में अगर एयरक्राफ्ट ही ना हो तो कैसे काम चलेगा? इंडिया के सामने पिछले कुछ दिनों से सेम क्वेश्चन रेज हो रहा है, लेकिन ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के 7,000 to 8,000 crore रुपीज की डील को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन सिग्नल देने के बाद से हमने कुछ राहत की सांसें ली है। एक्सपेक्टेड है कि ये एयरक्राफ्ट 2026 में अपनी पहली फ्लाइट कंडक्ट करेगा। जनरली पहली फ्लाइट कंडक्ट करने से 2-3 साल बाद प्रोडक्शन शुरू होकर एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल किया जा सकता है। आइए नजर डालते हैं बैकग्राउंड की कुछ बातों पर। इंडियन नेवी के लिए तेजस का नेवल वेरिएंट बनाया गया था जिसकी कैरियर लैंडिंग भी टेस्ट की गई थी, जिसमें तेजस नेवल वेरिएंट सक्सेसफुल भी हुआ था, लेकिन एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी जिसे तेजस नेवल वेरिएंट फुलफिल ना कर सका। ये रिक्वायरमेंट थी लॉन्ग एंड्योरेंस, मींस हवा में ज्यादा देर तक टिके रहना। नेवल एक्सपर्ट्स की माने तो एटलीस्ट 2 आवर तक कोई भी कैरियर एयरक्राफ्ट हवा में रहने एंड्योर होना चाहिए, जिसके चलते तेजस नेवल वेरिएंट सेलेक्ट ना हो सका। ऐसा न कर पाने की मेन वजह थी तेजस नेवल वेरिएंट का सिंगल इंजन होना और फ्यूल कैपेसिटी कम होना। एक बार को एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक लगवा के फ्यूल कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन ट्विन इंजन ना होना अब भी तेजस को अंडर पावर कर रहा था, जिसके वजह से हमें तेजस से अपना रुख मोड़ना पड़ा। अब देखते हैं ये अप्रूव्ड एयरक्राफ्ट कैसा होगा। इंडियन एयरफोर्स के लिए HAL AMCA का डेवलपमेंट कर रही है। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिसोर्सेज, अप्रूव्ड ट्विन इंजन फाइटर AMCA के फाउंडेशन पर ही बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें AMCA जैसा स्टील्थ फीचर नहीं होगा। अब स्कैन करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो को। इंडियन नेवी के पास अपने ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 40 MiG-29 के एयरक्राफ्ट है। नेवी का सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 2025 तक ऑपरेशनल होने के चांसेस है, और जैसे हमने शुरुआत में देखा अप्रूव्ड एयरक्राफ्ट कम से कम ईयर 2030 तक इंडियन नेवी में शामिल हो सकता है। ऐसे में क्वेश्चन रेज होते हैं कि क्या इंडियन नेवी को MiG-29 के एयरक्राफ्ट की फ्लीट को दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर में डिवाइड करना पड़ेगा? क्या इंडियन नेवी को और MiG-29 के एयरक्राफ्ट रशिया से मंगवाने पड़ेंगे, या फिर क्या इंडियन नेवी फॉरेन कंपनी से एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए न्यू एयरक्राफ्ट डील फाइनल करेगी जिससे INS विक्रांत 2025 से 2030 के बीच अंडर पावर न रहे? वेल, प्रेजेंट सिनेरियो को देख के लग रहा है कि एटलीस्ट 35 से 40 कैरियर बॉर्न एयरक्राफ्ट की डील अब भी इंडिया को अपने सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर को जल्द से जल्द फुल पावर से ऑपरेशनल करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट न्यूज पर बढ़ने से पहले मैं आपको AFPA क्रैक SSB मास्टर क्लास टेलीग्राम चैनल से अवेयर कराता हूँ। ये एक ऑनलाइन इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म है जहाँ SSB एस्पिरेंट्स ex-SSB assessor से 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। SSB एस्पिरेंट्स को जो भी क्वेरी है यहाँ पर रिजोल्व की जाती है क्रैक SSB मास्टर क्लास assessors द्वारा। इस चैनल का नाम है AFPA क्रैक SSB मास्टर क्लास। इस चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, जिस पर क्लिक करके आप इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है अंडमान एंड निकोबार ट्राई सर्विस कमांड से। अंडमान एंड निकोबार कमांड इंडिया की ओनली ट्राई सर्विस कमांड है जो एज नेम सजेस्टेड मेनलैंड से अप्रोक्सीमेटली 1500 किलोमीटर दूर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर सिचुएटेड है। रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने इस जॉइंट कमांड का नेतृत्व संभाला है। ये जिम्मेदारी इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल PS राजेश्वर के सुपर एनुएशन के बाद दी गई है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और स्कैन करते हैं क्यों अंडमान निकोबार कमांड इकलौती ट्राई सर्विस कमांड है। एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसी कमांड मेनलैंड से दूर टेरिटरी का कोहेजन इंक्रीज करती है। एक ट्राई सर्विस कमांडर होने से एसेट्स डेवलपमेंट और इंटर ऑपरेबिलिटी इजीली एनहांस की जा सकती है। ट्राई सर्विस कमांड स्पेसिफिक बैटल थिएटर बे ऑफ बंगाल में फोकस करने हेल्प कर सकती है।
और फाइनली स्पेशल फोर्सेस और क्रैक कॉम्बैट फोर्सेस जैसे मिक्स फोर्सेस को ऑर्गेनाइज करने ट्राई सर्विस कमांड बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज के एडिशन का एंड। अगर इस एडिशन में प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज को इम्प्रूव करती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट गेम चेंजिंग सेशन जब भी अपलोड हो आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।